सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य का जो है राशि परिवर्तन अब तुला राशि में हो रहा है। तो 17 अक्टूबर को सुबह 7:22 पर सूर्य ग्रह जो है तुला राशि में जा रहे हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, क्योंकि इससे पहले जो है सूर्य देव कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। मगर अब एक क्योंकि जिस दिन ये राशि परिवर्तन करते हैं उस समय को जो है संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूर्य की संक्रांति के नाम से उस समय को जाना जाता है। तो सूर्य जो है तुला राशि में जा रहे हैं और जहाँ ये एक माह रहेंगे, एक महीने तक ये जो है नीच के भ्रमण करेंगे। तो सूर्य ग्रह जो है ग्रहों के राजा है, इन्हें जो है कुंडली में आत्मा के कारक, पिता, सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी, आत्मबल, तेज बल, मान सम्मान, आरोग्य, रोगों से मुक्ति आदि के कारक ग्रह कहे गए हैं। किसी की पदोन्नति में यानी कि उन्नति में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। ये सरकारी सेवा और सरकारी नौकरियों से ज़्यादा संबंध रखते हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये बहुत मजबूत अवस्था में हैं, उच्च के हैं, मित्र ग्रह के साथ हैं, तो जातक को जो है सरकारी कार्य में आने वाली बाधाएँ खुद ही समाप्त हो जाती हैं। मगर यदि किसी कुंडली में राहु ग्रह से पीड़ित हैं, शनि के साथ हैं, या किसी पापी ग्रह से साथ दिक्कत में है, तो उस समय फिर बहुत पीड़ा दे सकते हैं, क्योंकि इन यदि इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या किसी मित्र ग्रह के साथ ये विराजमान है, तो उस समय आपको लिए कई काम आपके बन जाएंगे। मगर यदि ये किसी ग्रह से पीड़ित है या ग्रहण बना के बैठे हुए हैं, तो वो दिक्कत कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या रहेगा कि जब सूर्य ग्रह तुला राशि में जाएंगे, जहाँ वो नीच के हो जाएंगे। तो देखिए, वहाँ पहले से ही जो है केतु ग्रह विराजमान है तुला राशि में और राहु सामने से दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य जो केतु साथ रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। इस समय जो है मानसिक तनाव में घिरे आप रह सकते हैं। इस समय कुछ मतलब टेंशन आपको मस्तिष्क में रह सकती है और आपके कुछ कार्यों में जो है बाधाएँ आएगी। तो बाधाओं से हालांकि आपको घबराना नहीं है, कुछ बीच बीच में जो है दिक्कतें चलती रहेगी और दिमाग आपका परेशान हो रह सकता है, क्योंकि इस समय आपकी जो किसी सरकारी कार्य में भी बाधा आ सकती है। यदि कोई काम आपका सरकारी डिपार्टमेंट से होना है तो उसको लेकर भी जो है आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय जो है शनि आपके मकर राशि में रहेगा तुला राशि वालों का, तो मकर राशि में शनि का रहना जो है आपके लिए थोड़ी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो है भूमि भवन में आपको फ़ायदा हो सकता है और चल अचल संपत्ति भी आपको खरीद बेच सकते हैं, जिसमें आपकी जो है रकम दोगुनी हो सकती है, और किसी नए वाहन का योग जो है आपका बन रहा है, यानी कि इस समय आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। तो और भूमि भवन का भी आपको फ़ायदा होगा, कोई ज़मीन जायदाद आप लेना सोच रहे हैं तो उसमें भी जो है आपके लिए अच्छा समय है, आप ले सकते हैं। बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जो कि आपके इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं। मीन राशि में जो है तुला राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति का होना बहुत ही अच्छा है। इस समय जो है शत्रु आपसे पराजित हो गए, शत्रु मुँह नहीं ठा पाएंगे, ना आपको कुछ कह पाएंगे। और साथ ही बात करें, कोई पुराना रोग आपका शरीर में है, कोई दिक्कत आपको चल रही है, पेट की समस्या है या कमर में दर्द है, तो वो समस्या अब समाप्त होगी, वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे आपको जो रोगों से मुक्ति मिलना शुरू होगी। और किसी का यदि आपने कर्जा लिया हुआ है तो इस समय जो है आप कर्जा उतार पाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे। इस समय जो है आपका जो कर्जा आप दे देंगे और आपका कर्ज समाप्त होगा, साथ ही शत्रु भी आपसे पराजित होंगे। अगर आपके भाग्य स्थान की बात करें, मंगल मिथुन राशि में इस टाइम गोचर कर रहे हैं, तो ये समय आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान में जो है आपके तरक्की होगी भाग्य से और उन्नति का समय आपका है। इस समय आपका कार्य क्षेत्र जो अच्छा रहेगा, काम काज को लेकर जो भाग दौड़ आपकी वो सफल होगी। इस समय जो आपकी भाग दौड़ें मेहनत है वो पूर्ण रूप से रंग लाएगी और आपके जो आपसे छोटे हैं भाई बहन या कहीं स्टाफ में आपसे उम्र में छोटे हैं, तो वो भी आपको जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। इस समय आपका किया गया आर्थिक प्रयास आपको पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करेगा। हालांकि राहु का जो है आपका मेष राशि में संचार कर रहा है और राहु का ये मेष राशि में जो गोचर है, इस समय थोड़ा सा आपको दुविधा में डाल सकता है, क्योंकि इस समय जो है आपका वैवाहिक जीवन में कुछ कड़वाहट आ सकती है। दाम्पत्य जीवन इस समय आपका जो है ख़राब रहेगा। हालांकि पति पत्नी में जो है बैर रहेगा, झगड़ा आपसे हो सकता है बाद भी जो है तलाक तक पहुँच जाए, यानी कि सूर्य का जो एक महीने का जो ये परिवर्तन है इसमें दिक्कत आ सकती है। आपकी जो
वैवाहिक जीवन में बात तलाक से जा सकती है, क्योंकि राहु पहले से ही वहाँ विराजमान है जीवन साथी वाले स्थान में, और उसके बाद सूर्य भी वहाँ देख रहे हैं, तो दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत आराम से आपको निकालना होगा, लगभग एक माह का समय। इस समय जो है साझेदारों से भी आपकी बिगड़ सकती है बात, कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है व्यापार में, कहीं आपकी साझेदारी है, कहीं आप कार्य कर रहे हैं, तो इस समय आपको साझेदारों से भी सतर्क रहना होगा। हो सकता है कोई पार्टनरशिप यानी कोई पार्टनर आपको धोखा दे दें, तो आपका जो है व्यापार में घाटा हो जाए या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस समय जो है पार्टनरशिप में पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि साझेदारी आपकी ख़राब हो सकती है। अगर बात करें आपके धन की, तो धन संबंधी जो समस्या आपकी समाप्त होगी, धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए सपोर्ट रहेगा। इस समय आपके कार्य बनते रहेंगे, और कोई इस समय बाहरी क्षेत्र की यात्रा आप कर सकते हैं, बाहर भी जाने का जो है आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, किसी बिजनेस के सिलसिले में काम को लेकर आप बाहर भी जा सकते हैं। अलग ही बात आपकी कैरियर की करें, तो कैरियर आपका उत्तम रहेगा। इस समय कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि और दिखाई दे रहा है कि पिता का भी पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके द्वारा किए गए अथक प्रयास रंग लाएंगे। तो आज आप लोगों ने जाना सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।